चलो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक हम थर्ड केस पढ़ते हैं जिसमें मैंने बताया वो मिक्स कॉम्बिनेशन जिससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ रजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे, कुछ रजिस्टर पैरेलल में जुड़े होंगे। तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का 12.9 है, एग्जांपल नंबर 12.9 है, ठीक है। उसकी वैल्यू दे रखी है, उससे समझते हैं इसको कैसे। हमने कहा यहाँ जो दिए गए हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5, सबकी वैल्यू दे रखी है और वो फिगर दे रखा है कि इस क्रम में वो जुड़े हुए, इस तरह वो अरेंज है पांचों रजिस्टर, ठीक है। जहाँ पे R1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 10 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, R3 की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, R4 की वैल्यू दे रखी है 20 ओम और लास्ट में R5 की वैल्यू दे रखी है 60 ओम, ठीक है। इन सभी की वैल्यू दे रखी है और कहा गया कि इनको इस तरह एज शोन इन द फिगर किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका वोल्टेज कितना 12 वोल्ट है, ठीक है। बैटरी कितना पोटेंशियल दे रही है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई है बैटरी पे, ठीक है, इस तरह जुड़ा हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा, फाइंड द रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, और सेकंड पार्ट क्या पूछा इसमें कि टोटल करंट ऑफ सर्किट, ठीक है। दो चीज पूछा, पहली बात क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर टोटल करंट सर्किट में से कितना हो रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा उसके बारे में पूछा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हमने कि देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव वाला टर्मिनल, तो करंट पॉजिटिव से निकलेगी, ठीक है, निकलेगी करंट यहाँ पे, सही बात है, गया यहाँ पे आगे गया करंट, तो यहाँ पे उसको एक जंक्शन पॉइंट मिला, तो ये देखो इसको ए बी कर लेते हैं, ये जंक्शन पॉइंट मिला ए बी मान लेते हैं, ठीक है। जंक्शन पॉइंट मतलब जहाँ पे दो रजिस्टर आपस में मिल रहे होंगे, तो देखो दोनों रजिस्टर का बाउंड्री एक तरफ और दोनों का सेकंड दूसरी तरफ मिला हुआ है, तो ये पहचान करके नहीं पता, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, मतलब R1 और R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसे जुड़े हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अभी बढ़ गया है, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि इन दोनों R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, RP' मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, RP', लेट RP' इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब RP'। तो बताओ फार्मूला लगाते हैं, RP' इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। देखो ध्यान से, तो 1/R1 की वैल्यू 10, 1/R2 की वैल्यू 40। देखो LCM कितना ले लिया हमने दोनों में, LCM ले लिया हमने 40 का, तो कितना आया यहां पे 4 और यहां पे कितना आया 1, ठीक है, मतलब 5/40 की किसकी वैल्यू आई, 1/RP' की, ठीक है, 1/RP' की, याद रखना भाई, ठीक है। तो यहां से RP की वैल्यू कितनी आ गई, RP' की वैल्यू कितनी आई, 40/5, इन्वर्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या आया 8। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेजिस्टेंस के, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रिजल्टेंट आया, इसको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने लगे, तो R1 और R2 का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, यहां बनाते हैं, ठीक है। ये देखो ये RP' रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम, कितनी 8 ओम आ गई, ठीक है। चलो ये था हमारा बैटरी, ठीक है, अभी यहां पे छोड़ते हैं, हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट, सिंपलीफाइड सर्किट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किया, कैसे थे आपस में पैरेलल थे, इसलिए मैंने इनको जोड़ा, रिजल्टेंट निकाल लिया R1 R2 का RP', जिसकी वैल्यू आई 8 ओम। अब यहां पे देखो करंट जब यहां पे गई, ठीक, आती गई यहां, जैसे ही इस पॉइंट पे आई, इसको हम मान लेते हैं सी और डी मान लेते हैं, इसका जो जंक्शन पॉइंट है इन तीनों का सी एंड डी। अब यहां पे देखो ध्यान से, करंट जो यहां पे आई उसको तीन रास्ते मिले, ठीक है, यहाँ पे तीन वे थे करंट को जाने के, कुछ करंट ऊपर वाले में, कुछ बीच वाले में, कुछ नीचे वाले ब्रांच में बढ़ जाएगी, ये बात समझ आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ रही है, मतलब ये तीनों आपस में कैसे रहोगे, पैरेलल में, कैसे रहोगे, पैरेलल में। हमने चलो मान लिया सेकंड, हमने मान लिया लेट RP" क्या मान लिया, इस बार RP" इज
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव, ठीक ये मान लिया मैंने। तो चलो आर पी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं हमने, बिल्कुल फॉर्मूला पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/r3 +1/r4 +1/r5, यहां पे देखो ध्यान से। तो 1/r3 की वैल्यू कितनी, 1/30, 1/r4 की वैल्यू 20 एंड r5 की वैल्यू 60। एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा भाई, 60 आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आया, ठीक है बच्चों। तो 330 इसका आपका है 2, यहां पे देखो 20 3 और ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 60, ये किसकी वैल्यू आई, 1 अपॉन आर पी डबल डैश की। तो ये हम तो क्या आर पी डबल डैश की वैल्यू लिख सकते हैं, 60 अपॉन 6 दैट इज 10 ओम, कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा बच्चों। चलो तो मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जो रिजल्टेंट एक सिंपलीफाइड सर्किट बनेगा, किसका R3 R4 और R5 का, कितना बनेगा R P डैश। तो एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूं मैं, ये इसका इसका रेजिस्टेंस कितना है R P डबल डैश, कितना है भाई 10 ओम, देखो बच्चों 10 ओम आ गया। अब देखो अब इस सर्किट को भूल जाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक सिंपलीफाइड सर्किट ये बन गया। अब देखो ये है बैटरी, करंट जब निकलेगी आई इसमें से होके गई आगे बढ़ी, आगे फिर वही करंट आर पी डबल डैश में जाएगी नहीं गई, मतलब क्या हुआ, जो आर पी डैश और आर पी डबल डैश ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज जुड़े हुए हैं। तो बताओ पूरे सर्किट का जो रिजल्ट है हम आरटी कह सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या आने वाला आरटी, क्योंकि दोनों आपस में सीरीज जुड़े हुए हैं, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था आरपी डैश प्लस आरपी डबल डैश, दोनों की वैल्यू रखते हैं 8 प्लस 10 दैट इज, बोलो भाई ये समझ आ गया। तो मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस आपका सर्किट कितना आ गया 18 ओम, यही फर्स्ट पार्ट था, ये तो पूछा था, ठीक है। अगर मैं बच्चे बुक में तो दिया है वहां का, ऐसा नहीं है बच्चे सोचते अरे ये तो एग्जांपल बुक में साल है फिर कैसे पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली हमें एक मेथडोलॉजी पढ़ा रहा हूँ कि कैसे आप उसको सिंपलीफाई वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो ये आ गया, चलो हटा दो ये नीचे वाला, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में कि टोटल करंट ऑफ अ सर्किट, मतलब टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं, हमने कहा V इक्वल टू I इनटू R टोटल, ठीक है टोटल पोटेंशियल बताओ बैटरी का, ठीक है टोटल करंट तो देगा और टोटल रेजिस्टेंस निकाल देगा यहाँ पे, ठीक है रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है निकाला हुआ है ये, ठीक है। तो V कितना दे रखा है 12, I हमको निकालना है इनटू R, ठीक कितना निकाला हमने 18 ओम, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 18, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3, ठीक 2/3 आ गया, इसको और सॉल्व करें, आ गया इजीली। तो अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग ब्रांच में करंट नहीं निकाला, जैसे मैंने बताया था कि I1, I2, I3, I4, I5 कितना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने इंडिविजुअल में पूछा ही नहीं है, टोटल पूछा है तो टोटल के लिए हम पूछा टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल बैटरी का EMF या पोटेंशियल बताओ, तो हम टोटल करंट भी, ठीक है बच्चों चलो लिख लो।